जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार पादपों में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो सेशन में जो मैंने डिस्कस किया था वो था प्रकाशिक अभिक्रिया, उसके बारे में अपन ने बात की। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक और दूसरा अप्रकाशिक। तो प्रकाशिक जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है डायरेक्ट, जिसे आपने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा था। और अप्रकाशिक जो होती है वो डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, जबकि प्रकाशित अभिक्रिया के जो उत्पाद है हाई एनर्जी वाले जो उत्पाद है जैसे एटीपी एनएडीपीएच उस पर वो निर्भर करते हैं। तो वो था डायरेक्ट रिएक्शन या ए प्रकाशित अभिक्रिया, उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक वो यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। तो सेशन को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ेगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक अपन देखेंगे एनसीईआरटी के। एक तो है इलेक्ट्रॉन परिवहन और दूसरा आएगा जल का अपघटन। वैसे देखा जाए तो एक ही है ये टॉपिक, एक साथ में इसको पढ़ते हैं। जहां पर ये चित्र एनसीईआरटी में दे रखा उसके साथ। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा कंफ्यूज करने के लिए, पहले ये टॉपिक दे रखा इलेक्ट्रॉन परिवहन और बाद में दे रखा जल का अपघटन, जबकि जल के अपघटन से ही एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करता है इलेक्ट्रॉन परिवहन। अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी तो उसमें कुछ शब्द अपन ने देखे थे, जैसे एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीने की अपन ने बात की थी, जिसमें क्लोरोफिल ए को आप छोड़ दो तो बाकी जो है जैसे क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल आते हैं। ठीक है, और वहां पर दो प्रकार के फोटो सिस्टम भी अपन ने देखे थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। नामकरण उनका किया गया खोजने के आधार पर, फोटो सिस्टम फर्स्ट को पहले खोजा गया था लेकिन बाद में खोजा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही काम करते हैं, काम जो करता है पहले करता है फोटो सिस्टम सेकंड और उसके बाद में करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जो फोटो सिस्टम के अपन ने बात की थी वहां पर कुछ इस प्रकार से अपन ने डायग्राम देखा था कि ये इस प्रकार से कुछ अपने पास वर्णक होते हैं। ठीक है, ये वर्णक आपके पास एंटीने वगैरह है और ये है आपका रिएक्शन सेंटर, जिसे अपन ने कहा था अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र। अब जब यहां से प्रकाश आता है, फोटोन आते हैं, तो ये बाकी सारे हेल्पर भी हेल्प करते हैं, सहायक जिसे हम कह सकते हैं, वो एनर्जी को लेंगे यहाँ से और उसको ट्रांसफर करते जाएंगे अभिक्रिया केंद्र की ओर। और जो अभिक्रिया केंद्र है वो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, इसका रीजन भी आपको आना चाहिए कि इसे अभिक्रिया केंद्र क्यों बोला है, बाकी को अभिक्रिया केंद्र क्यों नहीं बोला है। तो यहाँ पर जो होते हैं वो कुछ एंजाइम होते हैं आपके पास, क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जिससे अभिक्रिया यहाँ पर होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से जो भी लाइट आएगा वो यहाँ पर एनर्जी लेगा, इसको पास करेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ऊपर जो आपके पास करता है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, प्राथमिक ग्राही कहा था, प्राइमरी एक्सेप्टर जिसे पढ़ने कहा ये ग्राही होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पढ़ने बात। अब सेम वैसे ही अपन बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनका जो परिवहन, इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हुए पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन की बात इसीलिए अपन कर रहे हैं कि जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की सहायता से हो रहा है। और जब तक एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण नहीं होगा तब तक जो भोजन का संश्लेषण होता है या जिसे अपन कहें कि प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है उसके बारे में अपन बात नहीं कर सकते। मतलब ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर आता है। तो ये इस वाला चित्र का यहाँ पर आपके पास सिंपल सा एलएचसी मैंने बता दिया है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बाद में आने जाऊंगा। ठीक है ना, ये आपका एलएचसी है यहाँ पर सिंपल। तो अब हो क्या रहा है इसमें, दोनों फोटो सिस्टम जो है फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट एक साथ में क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ से पूछूंगा, जिसका जवाब ये प्रकाश है लाइट है। लाइट में भी आपने विवियोर वाला एक्सचेंज स्पेक्ट्रा में वो आपने पढ़ा ग्राफ तीन देखे थे आपने वहां, तो ये प्रकाश जब आ रही है एलएचसी है यहाँ, क्या है एलएचसी है। और इस एलएचसी में आपके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड वगैरह है और साथ साथ में आपके पास क्या है क्लोरोफिल ए भी यहाँ पर, ये जो क्लोरोफिल ए इस पर लाइट आती है लगभग कितनी 680 नैनोमीटर, कितने 680 नैनोमीटर की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश यहाँ पर आता है
तो उससे वो क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर 680 नैनोमीटर। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, एक्साइट होंगे, उत्तेजित होंगे इस वाले सिस्टम से। इसमें आपके पास जो बाकी पिगमेंट है वो भी सहायता बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होगा, उत्तेजित होने के बाद में जब इसको एक तरह से ये जो प्रकाश है ये है ऊर्जा, लाइट एनर्जी, फोटोन है वो क्या ऊर्जा है, तो ऊर्जा इनको यहाँ से मिलेगी तो ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे, उत्तेजित होंगे। उत्तेजित होने के बाद में ऊपर की ओर जाएंगे जहां पर क्या होता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रही होता है जिसे पकड़ लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रही नहीं होगा पड़ते हुए उत्तेजित अवस्था वगैरह एक्साइटेड स्टेट वगैरह आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आप पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होता है और ऊपर की ओर यहाँ पर जाता है, मतलब ऊपर वाला मतलब ये भी आसमान में जा रहा है, मतलब उससे उच्च एनर्जी वाला रीजन है वहां पर ये जा रहा है। कक्षा आप ऐसे पढ़ता ही है इस प्रकार से, N1, N2, N2, N3 वगैरह तो आप पढ़ते हो सेम, तो उच्च ऊर्जा वाले में जाएंगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या ग्राही नहीं है तो इस एनर्जी को वापस निकाल देंगे, एनर्जी को, और वापस से जो भी पहले वाली अवस्था थी ग्राउंड स्टेट जिसे हम बोलते हैं वहां पर, ठीक है। तो उसी केस से बचने के लिए भगवान ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के लिए, कि बोले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित हो रहे हैं उनको आप कोई ना कोई ग्रही को पकड़ा दो जिससे ग्रहण करेगा, ग्रही को पकड़ा दो जिससे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये प्रोसेस भी 680 नैनोमीटर में, क्योंकि पी एस सेकंड वहां पर काम करता है। पी एस सेकंड को आपने जो वेवलेंथ देते हैं उसे P680 बोलते हैं, पी एस फर्स्ट में P700 बोलते हैं, तो वो आपने डिस्कस था। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आने के बाद में आपके पास ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही आगे की ओर ही जा रहा है। एक सिस्टम मैंने यहाँ पर लिखा है ETS, क्या लिखा है, ETS, जिसे बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कहाँ जाएंगे, ग्राही पर जाएंगे, और ग्राही पर जाने के बाद में जाएंगे ETS, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो, सिंपल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके पास एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम। इंग्लिश में भी ऐसा ही बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हैं। ये जो साइटोक्रोम है इसको आप लोग समझ लीजिए, साइटोक्रोम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन भी कैसा है, रेडॉक्स प्रोटीन है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, अपचे उपचे जिसे अपन बोलते हैं, इसमें उपचे भी होता है अपचे भी होता है, ठीक है। रेडॉक्स समझते हैं आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अपचयोपचय, जिसमें दोनों होता है। मतलब ये जो साइटोक्रोम है, ये जो प्रोटीन है, इनमें इलेक्ट्रॉन है ये ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, और एक तरह से आप बोलोगे इसे रेडॉक्स प्रोटीन है अपचे प्रोटीन ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ETS में जाएंगे, तो ETS में जाए साइटोक्रोम में अलग अलग प्रकार के, एक नहीं अलग अलग प्रकार के, से आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां पर एक जाएंगे और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा चले जाएंगे LHC में, जो किसका है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का, फोटो सिस्टम फर्स्ट ट्रांसफर ही कर देंगे। साथ में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो वो ATP में परिवर्तित होते हैं, और ATP क्या है, ऊर्जा मुद्रा है, ATP में यहाँ पर परिवर्तित होते हैं। इसके बीच में बहुत सारे हम आते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे की ओर जब अपन चलेंगे उस पार्ट, ठीक है। ये आपके पास सिंपल से इस प्रकार से आ रहा है साइटोक्रोम की ओर आपके पास आ रहा है। अब जो नीचे की ओर जो मूवमेंट आपके पास हो रहा है, यहां से नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है, इसे मैं फर्स्ट में लिख देता, ये फर्स्ट आपका ऊपर की ओर गया है, ये नीचे की ओर जा रहा है, इसे मैं सेकंड लिख देता हूं, और वापस से जो ऊपर की ओर जाएगा वो थर्ड लिख देता। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, अपहिल इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपहिल ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये डाउन हिल है, क्या है, डाउन हिल है, जिसे हम बोलते अधोगामी या डाउन, मतलब नीचे की ओर वापस से क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे है ना। नीचे की ओर आने का मतलब क्या है, ये आपके पास फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो LHC है, जो क्लोरोफिल है, वहां पर पिगमेंट है, वहां तक हो जा रहा है। और ये जो LHC है यहाँ पर भी अगर तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो प्रकाश की जो तरंग निर्गत होती है वो कितनी होती है, वैसा वो आपके पास होती है सिंपल सी 700 नैनोमीटर। तो
उससे आपने क्या बोला, 3700 वोल्ट। तो ये 700 नैनोमीटर की जो प्रकाश आ रही है वो भी आ रहा है यहाँ पर, वो जो फोटो सिस्टम सेकंड है वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ अब आएंगे। ये जो प्रकाश ऊर्जा है उससे वापस से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड होंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे वो ऊपर की, उसका क्या हुआ मूवमेंट हो जाए। इलेक्ट्रॉन गाड़ी दोनों में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गाड़ी के दोनों में अलग अलग आपके पास होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गाड़ी आपके पास चला जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर Na+ है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है, NADPH में। और एक NADPH जो होता है वो कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है एक NADP। तो एक प्रकार से ऊर्जा वाले बन रहे हैं, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है। अब वो बड़ा सवाल ये है आपके पास कि यहाँ से जो आप बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास आ कहाँ से रहे हैं, आई बात समझ। तो इन इलेक्ट्रॉन की जो अगर बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की जो अपन बात कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं जल के अपघटन से, जल के अपघटन से। इक्वेशन आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज अपने पास यहाँ पर रखी हुई, इस चित्र को आप देखेंगे तो एक यहाँ पर शब्द मैंने लिखा जेड स्कीम, जेड स्कीम, ठीक है। यहां से ये शुरू हुआ है, नीचे से शुरू हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर अपवर्ड मूवमेंट हुआ। इसे आप देखेंगे, देखने में तो एन आपके पास मिल रही है लेकिन एक्चुअल में से आपने बोला है जेड, जेड बोला है, जेड स्कीम इसे बोला है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसे आप देखोगे कहां पर, इसे आप देखोगे जो रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स विभव जिसे हम बोलते हैं या अपोक्षी विभव बोलते हैं, उस स्केल पर आप देखोगे या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है विभव, उस पर आप इसको आप आरेख करोगे जेड शेप में आपको मिलेगा, इसलिए बोलते हैं जेड स्केल। एक प्रकार का विभव का स्केल होता है, जैसे होता है सेंटीमीटर में एक स्केल जो नॉर्मल अपन देखते हैं 15 सेंटीमीटर का, तो वो स्केल है। तो वैसे यहाँ इसको आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, रेडॉक्स पोटेंशियल पर या अपोक्षी विभव पर या अच्छे उच्चे विभव पर, रेडॉक्स जो यहाँ पर कर रहे उसके लिए आप इसे बोलते हो जेड स्कीम। हरे नवा सुन, जेड स्कीम यहाँ पर आ रहा है। अब जो सवाल की मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में जल का अपघटन, उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बता रखा है इलेक्ट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जल का अपघटन होता है, ठीक है, क्या होता है, जल का अपघटन होता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है एक्चुअल में वो कहाँ रही, तो आपका सवाल आया था नहीं पढ़ा आपने, तो आपका जवाब आएगा कि हर एक पार्ट में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, आप बोलोगे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, आपने और ज्यादा पढ़ रखा था आप बोलोगे कि उसके अंदर ग्रेना है, थाइलेकोइड है, सॉरी वहां पर होता है, सही पढ़ रखा। तो जो आपके पास थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, कौन सी, थाइलेकोइड की जो आंतरिक झिल्ली है वहां पर आपके पास जो झिल्ली है उस पर आपके पास क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा, मेनली ग्रेना वगैरह नहीं होता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपका जल का अपघटन कहाँ होता है, ठीक है। तो थाइलेकोइड की जो आंतरिक झिल्ली है वहां पर क्या होता है, जल का अपघटन होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, जैसे H2O लिखा है, H2O आपके पास दो हाइड्रोजन का से एक ऑक्सीजन में टूटा, साथ में दो इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं, और वही इलेक्ट्रॉन आपका फोटो सिस्टम जो सेकंड है वहां पर जा रहे हैं, ना कि फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम ये सेकंड पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर फोटो फर्स्ट में आए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस जल का अपघटन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, तो ये प्रोसेस आपके पास रहती है। सबसे लास्ट में जो आपके पास Na+ जो आपको बताया जा रहा है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपसे बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सीधा सा आप देखेंगे कि NADP है यहाँ जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आपके पास क्या हो गया, सिंपल सा हो गया, आरी बात सुन। तो ये सिंपल सा आपके पास क्या है, जेड स्कीम यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। अब बड़ी बात ये अपने पास से कि यहाँ पर जो आपके पास
जो हाइड्रोजन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या भविष्य है सर? उनका क्या भविष्य? ये जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, इस इक्वेशन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये टू एच टू है मेरे पास, यहाँ पर चार हाइड्रोजन आप बना लो प्लस चार इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो प्लस ऑक्सीजन आप निकाल लो। तो बोले साहब इलेक्ट्रॉन तो काम में आ रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनका क्या रोल है? ये क्या वहां पर जमा होते रहेंगे? पर हाइड्रोजन अगर जमा होता था तो वहां की जो पीएच है वो अम्लीय हो जाएगी, प्रबल अम्लीय बन जाएगा। तो क्या ऐसा होता है क्या एनसीईआरटी में? अपने को रजिस्ट्रेशन दे रहा, तो ऐसा नहीं है। ये जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, पहला प्रश्न तो ये है आपके पास, ये कहाँ रहते हैं? कि जो थाइलेकोइड है उसकी अवकाशिका में रहते हैं, जैसे मान लो थाइलेकोइड है, क्या उसकी अवकाशिका में अंदर की ओर रहेंगे क्या बाहर की ओर रहेंगे? जो भी आपके पास है हाइड्रोजन है वो जो ऑक्सीजन है, तो इसका जवाब ये है इस प्रश्न का एनसीईआरटी में जो आपको दे रखा है। ये जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो गैस है बाहर निकल जाती है, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब है कि जो उनकी ल्यूमेन है, जो अवकाशिका है बीच वाली, उसके अंदर ये रहते हैं कुछ समय के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की आप जो बात करते हैं, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी उसी में इसको इंक्लूड मैंने कर दिया था कि नेट जो प्रोडक्ट है प्रकाश संश्लेषण का, जो उत्पाद है नेट उत्पाद जो है वो एक तरह से ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है CO2 plus H2 is equal to C6H12O6 होता, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या CO2 से आई है या H2O से आई है? इसका जवाब पेपर ने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये आई है आपके पास कहाँ से? H2O से, ठीक है। रेडियो आइसोटोप वाला छोटा सा अपन एक शब्द डिस्कस वहां पर किया ना? ये आपके पास सिंपल से क्या है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन जो हुआ इस प्रकार से सिंपल से बताया। अभी साइटोप्रोटॉन क्या है, प्रोटीन क्या है, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अपना जो मेन एम है, टारगेट है, वो एनसीईआरटी को समझना है। ये एक तरह से एक जो साइंटिस्ट था हिल नाम के, उन्होंने बताया था, इसलिए से हिल रिएक्शन भी इसे कहता है। और जो सबसे पहले इसने डिस्क्राइब करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है नील नाम के साइंटिस्ट है, 1931 में उन्होंने बताया, नील नाम के जो साइंटिस्ट है। उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो हिल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए से हिल रिएक्शन भी अपन कहते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन परिवहन और जो जल का अपघटन है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है सिंपल सा। उम्मीद मैं करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया है वो समझ आया है। इसको रिवाइज करना ये जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो अगला टॉपिक अपन देखेंगे चक्रे और एक चक्रे जो फॉस्फोराइलेशन वाला टॉपिक अपन देखेंगे वो इसी से रिलेटेड है, सेम ऐसा ही है। चक्रे में अपन फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करेंगे कि यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, चक्रीय बोलते हैं, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड जहां पर रहता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ में वो एक जेड स्कीम यहां पर बन जाती है, वो भी इसी से रिलेटेड ही है। तो इतना सा आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, हो सके तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। और भी आप कुछ ऐड करना चाहे तो आप खुद की तरफ से ऐड कर सकते हैं, अभी मैं केवल एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसे ही एक बार एनसीईआरटी वाला मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं वो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखिएगा, तो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं ही होना चाहिए, अच्छे से आपने देखा, अच्छे से आपने रिवाइज कर, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।